अब जो निर्णय हमने आज की बैठक में हुए, उसमें पहला अगर मैं कहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदा अन्नदाताओं के पक्ष में रहे, तभी तो कृषि मंत्रालय के साथ किसान कल्याण मंत्रालय भी इसका नाम रखा गया और किसानों को लेकर प्राथमिकताएं भी दी गई, निर्णय भी किए गए और आज भी गन्ना किसानों को उचित मूल्य मिले तो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि में चीनी मिलों के द्वारा गन्ने किसानों को उचित मूल्य मिले उसमें बढ़ोतरी की गई है। आज तक का सबसे ज्यादा जो दाम है 315 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य उसको निर्धारित किया गया है। ये गन्ने के मूल्य का भुगतान चीनी मिलों द्वारा सीधे तौर पर किसानों को किया जाएगा और ये कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP इसके द्वारा पहले स्टेट से, स्टेक होल्डर से सबसे इनके सुझाव और रिकमेंडेशन लेने के बाद गन्ने की उत्पादन लागत व अन्य बाय प्रोडक्ट जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि, इन सबको उचित प्रॉफिट मार्जिन जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। पिछले साल ये 305 था, इस साल 315 किया गया है। लेकिन अगर आप पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो 2013-14 में 210 रुपये प्रति क्विंटल इसका रेट था, जो आज बढ़कर 315 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है। 2013-14 में कुल प्रोक्योरमेंट हुई थी तो 57,104 करोड़ रुपये की हुई थी, जबकि 2022-23 में ये 1,13,000 करोड़ के लगभग हुई। अगर मैं यूपीए के कालखंड की बात करूं, अगर 2004 से 14 की, तो कुल मिलाकर 2,71,204 करोड़ रुपये की खरीद हुई वैल्यू जो है उसकी, और 2014 से 2023 तक 7,46,066 करोड़ रुपये खरीद में हुए। आपको याद होगा उस समय के अगर परिदृश्य आप देखें, गन्ना किसानों को सड़कों पर रोक लगानी पड़ती थी, नेशनल हाईवे जाम रहते थे, पैसों का भुगतान नहीं होता था। लेकिन आप पिछले कुछ सालों का अगर देखेंगे, पूरा भुगतान किसानों को किया गया है। अगर मैं पिछले 5-6 सालों की बात करूं तो 99.8% 99.7% इस तरह से भुगतान हुआ है और जो बैकलॉग था वो भी क्लियर किया गया। इसका सबसे बड़ा अगर आप उदाहरण देखें तो कहां फर्क पड़ा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एथेनॉल को हम अपने क्रूड ऑयल के साथ मिक्स करके पेट्रोल डीजल इसके लिए, तो वहां पर अब ये 10% से ज्यादा हो गया है। अब एथेनॉल के लिए जो रिक्वायरमेंट हमारे गन्ने की है उसके लिए पिछले साल 20,500 करोड़ रुपए का भुगतान डिस्टिलरीज के द्वारा किया गया है, डिस्टिलरीज को किया गया है